एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस देखिए, ये एक गिलास हमने दूध लिया है, इससे हम बनाएंगे अच्छे से इंदौरी शाही सिकंजी आइसक्रीम। ठीक है, तो ये गिलास फुल फैट वाला है, बिल्कुल भी ये समझ लीजिए। ये देखिए, जो दूध और दूध जब हम उबाल के रखते हैं तो उसमें जो मलाई पड़ जाती है फ्रिज में रखने से, तो ये देखिए वो पूरी मलाई हमने ले लिया और एक गिलास दूध ले लिया। तो चलिए करते हैं। ये देखिए गाइस, हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम पकाएंगे। देखिए हल्का सा गुनगुना करेंगे, क्योंकि इसमें एक और इंग्रेडिएंट हम मिलाएंगे जो कि हल्के गुनगुने दूध में मिलाना है। ठीक है, ये देखिए गाइस, गुनगुना हो गया है। देखिए हाथ डालने से पता चलता है कि ये गुनगुना हो गया। तो ये रहा एक कटोरी दूध पाउडर, इसको हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। ठीक है, इस तरह से अच्छे से मिलाएंगे जिससे कि इसकी जो गुठलियां हैं वो सारी फूट जाए। और अगर एक आध गुठलियां रह भी जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आगे चल के हम इनको फोड़ देंगे। ठीक है, तो इनको ऐसे मिलाते हैं। देखिए गाइस, ये जितनी भी रेसिपियां हैं हम ज्यादातर बिगनर्स लोगों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से 10 मिनट लगता है। बस इसमें भी खाली बॉयल आने की जरूरत है और ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ये बच्चा तक बना सकता है, चाहे वो लड्डू हो और चाहे ये आइसक्रीम हो, सभी कोई बना सकता है। जिनको बिल्कुल कुकिंग नहीं आती है वो भी ये काम कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें बॉयल आ जाता है फिर मिलता है। देखिएगा, इसको लगातार चलाते रहेगा क्योंकि दूध पाउडर है ना, तो ये चिपक सकता है तली में। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए बॉयल आ चुका है, तो ये चीनी डालेंगे। ठीक है, हमने थोड़ी सी चीनी डाली है क्योंकि हमने बताया था पिछली वीडियो में, हमने लड्डू बनाए थे। ठीक है, तो उनका हम इस्तेमाल करेंगे, तो उन लड्डुओं में भी मीठापन है। ठीक है, तो इस वजह से हमने चीनी थोड़ी सी कम मात्रा में डाली है, बट आप जैसा मीठा आपको पसंद हो उस तरह से डाल लेते। तो अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको, इसकी जो चीनी है उसको पिघला लेना है और थोड़ा सा थिक करना है, थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले चीनी पिघलेगी उसके बाद में। ठीक है, तो हम मिलते हैं चीनी पिघलने के बाद। देखिएगा, ये गांठें दिख रही है, ये सब अभी खत्म हो जाएंगे क्योंकि हमें मिक्सी में चरण करना होगा ना एक बार, तो इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गांठें हो भी जाती हैं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन बस दूध जो हमने बताया था आपको लेना है फुल फैट, यानी दूध लेना है जो एक तरह से उबाल के आप दूध रख दीजिए, उसकी जो ऊपर वाली मलाई पड़ जाती है वो सारी की सारी लेनी है। मतलब एक लीटर दूध की सारी मलाई लेनी है, भैंस का एकदम थिक दूध लेना है। अगर आप वैसा दूध मलाई वाला नहीं लेते हो दूध ना, तो आपको ऊपर से घी ऐड करना पड़ेगा। तो आप अगर मलाई वाला दूध ना मिले तो 2 से 3 स्पून आप घी ऐड कर लीजिएगा, तो उससे भी काम चल जाएगा। क्योंकि हमारे जो आइसक्रीम है ना, तो वो क्रीमी एकदम टेक्सचर उसका जो होता है वो क्रीमी होना चाहिए। तो ये देखिए, इसमें बॉयल आ चुका है। ठीक है, तो अब जो ये अपने हमने लड्डू रखे थे 3, तो वो भी हम इसमें मैश करके मिलाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो इससे इसकी जो, देखिए इसमें हल्दी और सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसको हमें कोई भी चीज इसमें एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको अब बस ऐसे करके हम मिलाएंगे और इसको गाढ़ा कर लेंगे। ये देखिए गाइस, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी हमने ऐड करी है इसमें। ठीक है, क्योंकि हल्दी, वैसे भी हल्दी हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होती है। उन लड्डुओं में हल्दी थी बट थोड़ा सा कम थी। ठीक है, तो ये देखिए ठीक हो गया ना हमारा बैटर। तो इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे, मुश्किल से 2 मिनट। ठीक है, तो 5 मिनट में ये आइसक्रीम हमारी बन के एकदम रेडी हो जाएगी। इसको 5 मिनट पका लेते हैं अच्छे से। और आप इस चीज से बिल्कुल फिक्र, इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि इसमें ना हल्दी की स्मेल आएगी या कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें हल्दी की स्मेल नहीं आएगी। ये देखिए ठीक हो गया हमारा। तो ये देखिए हमने बंद कर दिया है। ठीक है, और इसमें अब हम 1 पिंच बिल्कुल नमक ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस, सिर्फ 2 चुटकी नमक है। ठीक, ये देखिए 1 और ये 2। तो बस इससे नमक की, हमारी जो आइसक्रीम है वो नमकीन नहीं होगी, लेकिन उसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छे से है। और ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी गाढ़ी हो चुकी है। ठीक है, तो अब इसको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद में हमें इसको जमने के लिए रख देना है। ठीक है, तो उसको ठंडा कर लेते हैं, ऐसे ही आते हैं। ये देखिए गाइस, ये इस तरह से हमने ले लिया है प्लास्टिक का बर्तन। देखिए हम आज वही सब चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमें नॉर्मली घर में मिल जाती हैं,
क्योंकि क्योंकि कोरोना का टाइम है ना, इसमें लॉकडाउन का टाइम, तो इस समय सामान आप लेने नहीं बाहर जा सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम इसमें सारा रखेंगे, सारा इसमें कर देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए गाइस, अब हम इसको जो है फ्रिज में रखेंगे, ठीक है। ठंडा हो चुका है तो इसको हम फ्रिज में नहीं, हम इसको ढक्कन लगा के इसको फ्रीजर में रखेंगे। ये देखिए गाइस, पहले मैं सोचा था कि कैरमल जो बनाएंगे हम वो उसकी वीडियो अलग से बनाएंगे, बट हमने सोचा अभी बना दें। ये देखिए गाइस, हमने इसमें एक कटोरी चीनी ऐड कर दी है और धीमी फ्लेम पर रख दिया है, बिल्कुल फैला के चीनी रख दिया, और इसको ऐसे ही हमें पकने देना है। बिल्कुल इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो ये ऐसे ही चीनी पिघलेगी, ठीक है। तो ये अभी थोड़ी देर में एकदम तैयार हो जाएगा। पहले सोचा था नहीं बनाएंगे, बट हमने सोचा ये बता देंगे, अगर हमने डाला है कोई भी चीज आइसक्रीम में तो वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें पानी यानी कुछ नहीं ऐड किया है, खाली हाफ कटोरी चीनी ले ली और ऐसे बिछा दी पूरे में और धीमी फ्लेम पर इसको रख दिया पकने के लिए। तो इसको पकने देते हैं। ये देखिए एक थाली ले ली, उसमें हमने घी लगा लिया, तो जितने में हमको फैलाना है अपना कैरेमल बस उतने में हम इसे ऐसे करके इसी में फैला देंगे, ठीक है। तो इसमें हमने घी ऐड कर लगा लिया अच्छे से, ठीक है, ऐसे। अब ये जब हमारा चीनी पक जाएगी तो इसी में हम फैला लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हम एक एक्स्ट्रा वीडियो इसकी बना के डाल देंगे आप लोगों को, तो समझ में आएगा। चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है, बिल्कुल भी दाने नहीं है इसमें। तो अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे घी, ठीक है। ये देखिए हाफ स्पून घी ऐड करेंगे, हाफ स्पून डालेंगे, फुल स्पून नहीं डालेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो अब इसको हम इसमें अच्छे से मिला देंगे इस तरह से, ये देखिए। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और ये जो भी हमारा है अच्छे से मिल गया है। अब हम इस थाली में अपना इसको पलट लेंगे इस तरह से, इस तरह से, और उसको पतला फैलने देंगे। ये देखिए इसको अब ऐसे ही रख देंगे और उसको एकदम जमने के लिए छोड़ देंगे, जैसा है वैसे ही ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए गाइस, हमारा कैरेमल बन चुका है, ये देखिए कितने अच्छे से हो गया। इसको हम तोड़ लेंगे अच्छे से, ठीक है, और अपना आइसक्रीम में ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह बहुत अच्छा बना हुआ है, क्रिस्पी, ये देखिए आराम से छूट रहा है, ये देखिए। तो चलिए ये रही हमारी आइसक्रीम। ये देखिए गाइस, हमें इतने बड़े पीसेस की जरूरत नहीं है, तो हम इस तरह से एक पॉलिथीन ले लेंगे और इसमें भरेंगे सारा का सारा, ठीक है, और एक बेलन से हम इसको तोड़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। ये देखिए गाइस, ऐसे मुंह बंद करेंगे इसका, ऐसे ऐसे करके हम इसको सारा का सारा तोड़ लेंगे, ठीक है। ये देखिए गाइस, हमारा कैरमल बन चुका है और ये देखिए हमारी आइसक्रीम, इसको ऐसे ऐसे टैप करेंगे और ये कैरमल ऊपर से हम स्प्रेड कर देंगे इसके, ठीक है, डेकोरेट करेंगे जिस तरह से आप चाहें। देखिए थोड़े से हमने बड़े कैरमल के टुकड़े रखे हैं क्योंकि बच्चे हैं ना तो उनको अच्छा लगता है, तो ये देखिए इस तरह से। और एक बात गाइस, ये कैरमल ऐसा है कि आप इसको पानी से दूर रखें, बाकी आप इसे एक साल तक चला सकते हैं, बस पानी से दूर रखें, सीलन से दूर रखें, जहां पर सीलन ना हो, ठीक है। ये हमने रख कर दिया, इसको ऐसे ऐसे टैप करेंगे जिससे कि कैरमल के कुछ पीसेस हमारे अंदर भी चले जाएं और कुछ अगर आपको अंदर करना है तो एक मिनट। ये देखिए गाइस, हम अपने स्पून से ऐसे करके कैरमल मिला लेंगे, ठीक है, ऐसे, तो ये अंदर भी आइसक्रीम के हो जाएगा पूरा। ये देखिए हो गया, और इसको हटा देंगे। ये देखिए, और ऊपर से थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे क्योंकि बच्चों को कैरमल ज्यादा पसंद होता है, ठीक है। ये देखिए, और अब क्या करना है आगे हम दिखाते हैं।
ये देखिए गाइस हमारी ये पन्नी है, तो इसको एक तरफ से हमने खोल लिया और इस साइड से भी खोलेंगे। देखिए अगर सिल्वर फाइल है तो आप वो लगा सकते हैं, लेकिन नहीं है तो आप क्या करें उसके लिए हम बता रहे हैं। और हम आज ज्यादातर वही चीजें बता रहे हैं जो कि हम घर में हमारे होती हैं। तो ये देखिए इसमें हमने कैरमेल तोड़ा था, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से हम करेंगे ठीक है। और इसको हम ऐसे इसमें टच करते हुए अपनी आइसक्रीम में ऐसे टच करते हुए जमने के लिए रखेंगे पन्नी को। ये देखिए अच्छे से बिल्कुल सतह पर इसकी चिपकती होनी चाहिए पन्नी, क्यों? क्योंकि इससे आइस क्रिस्टल है वो हमारी आइसक्रीम पर नहीं बनेंगे, इस वजह से इस तरह से इस तरह से। ये देखिए ये हो गया सारा, इस पन्नी को भी अंदर ही कर देंगे, क्योंकि देखिए अगर हम इसका कैप बंद करेंगे ना तो ये पन्नी खींच सकती है, जिससे कि दिक्कत आ सकती है। तो ये देखिए इस तरह से हो गया ठीक है, बिल्कुल टच करते हुए बंद कर दिया हमने इसको। ये देखिए इस तरह से, अब ये इस तरह से करके अब इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे। और आप ओवरनाइट के लिए या 5 से 6 घंटे के लिए आप आराम से रख दीजिए, ये हमारी आइसक्रीम बिल्कुल जम के एकदम रेडी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं मॉर्निंग में, हम ओवरनाइट के लिए रखेंगे इसको। तो चलिए हम इसको रखते हैं ओवरनाइट के लिए, अब मिलते हैं मॉर्निंग में। हे गाइस गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम है। ये देखिए हमने फ्रिज से अपनी आइसक्रीम निकाल ली है, तो ये देखिए कितनी अच्छे से जम चुकी है ये आइसक्रीम, ये आप देख सकते हैं, और इतनी क्रीमी और इतनी अच्छी सी है ये देखिए, बिल्कुल साधारण से और बहुत अच्छे से निकल के आ रही है। ये देखिए उसमें सर्व करते हैं अपने दूसरे बाउल में, कैरमेल देखिए कैसा बन के गया है। तो ये देखिए तो इसको हम सर्व कर लेते हैं बाउल्स में, फिर बनते हैं। ये देखिए गाइस हमारी आइसक्रीम जो कि बन के रेडी है, और इतनी क्रीमी इतनी टेस्टी है ये आइसक्रीम कि आप खाते रह जाएंगे, इतनी प्यारी आइसक्रीम है। तो इसे इंजॉय करिए घर में अपने, आराम से बनाइए और इंजॉय करिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी में।